Hey guys, welcome back to my channel. Again, आप अभी सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह मैंने बाइक से क्यों वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी अपने किसी रिलेटिव को छोड़कर आ रहा हूँ कहीं पे. सो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की शुरुआत अभी से कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम बहुत सारा वेस्ट कर दिया है, पूरा आधा दिन निकल गया है ऑलमोस्ट. जो अभी ऊपर चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और आज सूरज की है छुट्टी. तो मुझे मैसेज करके बोल रहा भाई कहाँ पे है, तो मैंने बोला अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ. तो क्यों ना आज उस गधे को ही पकाया जाए. सो अभी चल रहे हैं उसकी फ्लोर पे, उसके फ्लैट में चल रहे हैं, फिर उसे पकाएंगे. अब नंगे पंगे कहाँ घूम रहा है तू? सी माय बैग. क्या तेरे बैग में ऐसे बनियान? काली काला कुर्ता पजामा. कुर्ता पजामा तो नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे कैमरे के आगे? लज्जा नहीं तुझे? I'm shameless. वो तो मुझे पता है, एक नंबर का बेशरम आदमी. फूड वाला है नीचे? तू है तो सही. बाइक मैंने ले तो ली है, बट मुझे एक चीज बहुत बेकार लगती है बाइक की, धूप में आप बोर हो जाओगे बाइक चलाते जाते, मतलब आपकी हालत खस्ता हो जाएगी, बिल्कुल खस्ता. इसलिए बाइक चलाने का धूप में मन नहीं करता. इस काम चोर को तो भाई साहब क्या ही बोले, इसके जैसा काम चल इंसान. ये अपनी वीडियो में जो डालता है ना कि आज मैं बर्तन धो रहा हूँ, ये धो रहा हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करता है. सिर्फ वीडियो बनाने के लिए घंटा क्या है अभी से शर्मा रही हो? बिया नहीं हुआ है? बिया हो गया. बोला बोल. मैं कह रहा हूँ कल बनाएंगे व्लॉग 15 अगस्त का. कल 15 अगस्त है ना? अच्छा, तो यहाँ पार्क में ना वो करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं. अच्छा, मंत्री बनना तेरे को? नहीं नहीं, वो करेंगे ना, तो हम भी जाएंगे ना देखने. हाँ, वो करते ना, वो क्या बोला था, RSS समझ गया, जो भी है वो वाले करते हैं, तो वो करेंगे ना, तो वहीं जाएंगे हम भी, उसमें करेंगे हम भी कंटेंट ही कंटेंट होगा मेरे. उसमें पता ही बोलते हैं कि तेरे को तुमने देख ही रखा है, तेरे को देख के क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेगा. ये बात भी सही है कि हम अपने आप को भी कितनी देर तक दिखाएंगे. लेकिन सूरज चलते ना आज के, बोर हो रहा है घर पे रह रहा है. क्यों? तेरे पापा ने बोला था नीचे पार्किंग धो देना, चल वही धोते हैं. उन्होंने तो बोला कि चल दे नीचे पार्किंग धोते, चल पार्किंग सूरज के घर पे, सूरज के फ्लोर पे आ रखे हम. सूरज तुम्हारे फ्लैट में आ रखे हम. इसको आलस इतना गंदा वाला आ रहा है, इसलिए जा नहीं रहा है. तो मैं भी यही हूँ, तो आज समझ रहे हो, समझ रहे हो. छत पे कपड़े लेने जाएगा साले, तू जाना कबाड़ी मैं को क्यों ले जा रहा साथ में? धूप तो हमेशा ही रहेगी. एक बजे मंगा ले सर, पिज्जा विज्जा मंगा ले कुछ यार, कोई ना घर पे मजा आ जाएगा. हैं? अरे पैसा मैं कर दूंगा तो दे दे बाद में. बता. सॉरी ब्रो, आई डोंट. भिखारी तो भिखारी रहेगा तू हमेशा. अरे तो मैं दे दूंगा, उधार हो गया, तुम सैलरी आते दे दियो. नो आई डोंट नीड उधार. इतना 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 कंजूस है ये, इतना कंजूस है. इसको बोला मैंने सूरज कर देना यार प्लीज. वो
मंगा ले सूरज, कुछ तो मंगा लो यार, भूख लग रही, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, समझ रहे तुम? अरे हाँ लाख कड़ा दे मेरे को। ये दूसरा हफ्ता था, दो हफ्ते पहले हम खेलते खेलते मैंने, मेरी जेब थी नहीं, जेब थी मतलब चैन उसकी टूट रखी थी, तो मैंने कड़ा इस गधे को दिया था, तब से इस गधे ने मेरा कड़ा लौटाया नहीं है। फाइनली मेरा हाथ मुझे बहुत सूना सूना लग रहा था इसके बिना। अब नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। हाँ और हाँ, हाथ से याद आया, मेरी कल मैंने आपको बताया था ना, मेरी इधर इस कोने में, कॉर्नर पे, कोने की साइड पे मेरे जो थोड़ी सी जो चोट लगी थी वो भी रिकवर हो गई थी, इसलिए मैं कल, जब मैं कल जिम गया, सो मैंने कल चेस्ट, बैक और शोल्डर कवर किया था, बट मैंने तीन तीन सेट और कम वेट रखा था, ताकि मैंने टाइम दिया उसको, ताकि मेरा जो ये जॉइंट है इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े फिर से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साले। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने कार्डियो किया अपना भाई, आधे आधे 25 मिनट लगभग, नहीं तो 2.5 किलोमीटर समथिंग, मतलब ट्रेडमिल पे 2.5 किलोमीटर मैं रनिंग की, और फिर वही अपना एप्स, एप्स से मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब मैं पहले एप्स ट्रेन करता था तो जो मेरे मसल होते ना, वो मसल ना एकदम से क्रैम्प करने लगते हैं, अभी जब मैं पहले करता था कभी एप्स ट्रेन करता था पहले कभी नहीं होता था, बट अब ऐसा क्यों होता है? और फिर मेरे को बीच में छोड़ना पड़ जाता क्योंकि इतनी इतना ख़तरनाक क्रैम्प होता ना एप्स में, बहुत दिक्कत होती है। मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि सूरज को आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो हम नीचे आ गए, अब हम अपना लंच बनाएंगे। चलो लंच से मुझे याद आया, मेरा जो पीनट बटर है वो हो चुका है ख़त्म, और इसी चीज़ से मुझे भी याद आया कि अगर मैं फैट लॉस पे हूँ तो आई शुड क्विट पीनट बटर। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं पीनट बटर ना मंगाऊँ, और उससे मुझे कैलोरिक डेफिशिएट में और ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पीनट बटर में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है, तो हाँ गुड फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बट कैलोरीज भी काफ़ी मिलती है। सो उसे क्विट करने का एक फ़ायदा है, कैलोरीज कम मिलेगी, उसकी जगह हम वेजिस लेंगे। सो आज मेरी डाइट में यही होने वाला है, सोया चंक, 1 कैप्सिकम, और बट मुझे क्रेविंग्स इतनी हो रही है, और मुझे ना क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है जो आलू का जो मसेटा कहते हैं जिसको, जो होता है, और आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह आलू के परांठे बने थे, मैंने खाए नहीं थे। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपनी क्रेविंग को थोड़ा दूर करने के लिए मैं सोया चंक्स के साथ एक रोटी टाइप का कुछ बनाऊंगा, उसके अंदर आलू की फिलिंग्स करके, पराठा नहीं करूँगा, तलूँगा नहीं, जस्ट टू ताकि मेरी क्रेविंग्स, क्योंकि जब से मैंने ये रोटी चावल ये सब कम किया है, कम किया, ऑलमोस्ट बंद ही किया है, तब से मुझे क्रेविंग्स बहुत 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 ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना आपा खो के कभी कुछ खा लेता हूँ, मोमोज खा लेता हूँ, कभी कुछ खा लेता हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। सो मैं अपनी थोड़ी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखने के लिए आज यही करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये मेरी मील तैयार हो गई है अभी। गाइस प्लीज़, गलती से भी ये मत सोचना कि ये मेरी मॉम ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी घर की जो माएँ होती हैं वो इतनी इस तरीके से, इतना वाहियात तरीके से तो बना सकती नहीं है, जो भी रोटी या पराठा कह लो, कुछ भी कह लो। सो प्लीज़ बिलीव मी, हाँ, कि ये मैंने ही बनाया है। तो मैं अभी जिम से आ गया हूँ और मैं हैरी भाई के घर पे आया हूँ अभी, और ये सूरज भी यहीं पे बैठा हुआ है, मुझे बताया नहीं इसने।
अरे भाई भाई है क्या भाई है क्या अरे भाई हमारा वो हैरी भाई, क्या हाल है भाई? तुम तो तौलिया में घूम रहे हो है भाई। इसको देख साले को, जल परी को साला बिना बताया आ जाता है यहाँ पे। हाँ भाई, हैरी भाई। अरे भाई तुम तो कतई बिल्कुल ही सेक्सी होके बैठे हुए हो। क्या भाई क्या भाई, पार्टी वार्टी कर लो फटाफट। पार्टी वार्टी पार्टी की चीज की भाई? साला बाइक की पार्टी ले ली भी तूने? लेना क्या साले, क्या किराया है क्या महीने का जो तुमको दूंगा मैं? भाई पार्टी वार्टी दे दे यार। अबे हरी मार्केटिंग एक तारीख का लिखा है, देख तूने सब्जेक्ट सही लिखा पर तूने डेट शीट गलत लिखी है। हां जल्दी लाए आपको मोमोस तो लिया था हमारे घर गोद में लेकर आना। तू किसकी बाइक लेके आने की? और चला मैं दिनेश भाई मेरी बाइक लेकर आ गए थे बिना बताए। सो मैंने दिमाग लगाया, मैं उनकी बाइक को उठा के ले आया और इसने बताया नहीं मेरे को है कि कब आया। बता दे देता, कॉल करके पूछ तो लेता एक बार। भाई नहीं करता, क्यों पूछता भाई? मैंने थोड़ी उठाई तेरी बाइक, उन्होंने ली चाबी। बता देता कि मैं जा रहा हूं, तुझे आना, तू भी आ जियो। तू जिम में था भाई? अरे तो बोल दे के बोल देता ना भाई। हैरी भाई बॉडी तो दिखा दे यार अपनी एक बार। बॉडी तो ओरो ओरो गजब ओरो डोलो 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 आ गया भाई, स्क्रीन पे डोला आ गया भाई के। बॉडी तो बहुत है हमारी। अच्छा बस ऐसे भी कर लेंगे। हैरी भाई की बॉडी सबसे गजब है भाई, इससे कुछ नहीं होगा। तू गोल्डन कलर का फिल्म दिलानी पड़ेगी। नहीं तो फिर नहीं जा रहे भाई। मजा मैं अकेला चल जाऊंगा। घर चला जा, खाऊंगा नहीं मतलब, घर चला जाऊंगा। चला जा कोई बात, घर मतलब साथ में चल लियो जब भी तेरा प्लान। नहीं भाई पहले मोमोज प्लस तू नहीं जाएगा तो मजा ही हो, मैं भी रुक जाऊंगा। रुकूंगा मैं नहीं। तो क्या करेगा? मैं कैसे भी जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। लेकिन तू ठीक है, मैं तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर यार बेटा खोल गया, कोल्ड ड्रिंक भी पिया। दिनेश भैया पी के सेट हो गए। फोन आ गया, उठा। सो हम अभी वॉलीबॉल खेल के आ गए हैं और इतनी गर्मी हो रही ना, हमने एसी चला रखा है एकदम फुल टेम्परेचर में, फुल में नहीं सॉरी 24 पे रख रखा है। मस्त हवा आ रही है एकदम। अरे इन खच्चरों को देखो, अरे खच्चरों देखो देखो देखो, आप साला पागल हो क्या? चट रहे दूसरे के ऊपर लग जाएंगे किसी के। बैंडेज नहीं है मत कर, बता चिल्ला रहा हूँ। अंडरटेकर भाग गए होते रोमन रेंज में। ओए पानी से मजे नहीं साले, गद्दा गिरा जाएगा उल्लू का पट्ठो। ओए पानी से मजे मतलब सूरज बता रहा हूँ, डराने के लिए भगा दूंगा साले। ढक्कन बंद कर उसका, ढक्कन बंद कर, ये देख इसको देख ले। तो उसका तू कुछ और ढूंढ, पानी मत डाल। नीचे ले गया रे, मत कर मजे ले रहा तू। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक सस्ते इंडियन वीलॉग, सॉरी वीलॉग नहीं, इंडियन आइडल पे, जहाँ पे हम जैसे अब्बू मलिक के चचेरे ममेरे तमेरे खानदान से बिलोंग करने वाले आते हैं। और मजा आया, मजा आया। चलो अब हम आपको दिखाएंगे अपने पहले कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस। काजल तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। सस्ता सन्नी दिखा दिखा दिखा, दिखा। मैं बता देता हूँ काजल, तू मेरी है तेरे। अरे ऐसे नहीं होती सुनील शेट्टी। अंजलि तुमसे मेरी हो, मैं पतंजलि से तुम्हारे दवाई लेके आया अंजलि। छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची। टाइगर श्रॉफ। क्या करूं यार, सबको आती नहीं। छोटी बच्ची हो गया। हरी बनेगी माधुरी दीक्षित? नहीं ज्यादा हो गया। मेरा एक्सप्रेशन पकड़।
टट्टी ना निकल जाने मर को मिला छोटे बच्चा है क्या आप देख रहे हैं सीक्रेट की मूवी चल रही है। सो गाइस आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी काल लगी इन कुत्तों के जैसे तो प्लीज़ माफ़ करना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ब्लॉग को। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।